गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंका विद हैरी ब्लॉग्स में, और मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, आज का काम भी मेरा ना स्टार्ट हो चुका है। लग गई हूँ मैं फिर से अपने काम में, और सुबह सुबह का टाइम है, नहाना धोना हो चुका था। बस मेरे थोड़े से ना कपड़े रह रहे थे, और बाकी कपड़े मैं धो चुकी थी पहले ही। और ये अंशु की यूनिफॉर्म थी, और एक तो कपड़े थे छोटे मोटे, तो मैंने कहा चलो इसे हाथों हाथ निपटा लेते हैं, और बाकी के जो भी काम होंगे फिर उसे निपटाएंगे, झाड़ू पोछा। तो सबने नहा लिया है, कपड़े भी धो लिए हैं, अब साफ सफाई का रहता है, तो इसे भी कर लेते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आधा अधूरा झाड़ू लगाया मेरा, और पूरा झाड़ू अभी नहीं लगाया। अब मुझे बनानी है चाय। इस रूम का मैंने झाड़ू लगा दिया। अरे यार, मेरा हाथ ही फंस गया इसके अंदर। देखिए अंशु के काम, चेस खेल रहा था ये, परमल वाला आ गया था बाहर, तो हमने इसे चला रही है। परमल लेके आ गए हैं, चलते हैं किचन में, और पहले बनाऊंगी मैं चाय, और उसके बाद फिर करेंगे बाकी के काम। क्या कह रहे हैं, जिसे मुझे डिब्बे में डालना है मैं बाद में डालूंगी। दूध ले जाओ आप, हन्नो दूध ले जाओ बेटा, आपका दूध बन गया है। ले आऊं आपके लिए? मैट बिछा लो, मैंने पोछा लगा रखा है, यहाँ पे रख दे रही हूँ। गिरना नहीं चाहिए बिस्तर में। गिर गया तो क्या होगा? फिर मैं क्या बताऊंगी आपको, चींटियां बताएंगी, फिर चींटियां काटेंगी। उबाल आ रही है चाय, और बाहर का मौसम भी काफी बेकार हो रखा है, मतलब फटाफट से चाय डाल देती हूँ, दो तीन बार उबल चुकी है। सो गाइस, चाय मैंने डाल दी है, अभी गिर गई थी ये, तो चलते हैं चाय पी लेते हैं। अंशु की गिरी देखने में लग गई, यही लाऊं क्या? नीचे बैठोगे, नीचे चींटियां आ जाती थे। आज लग रहा है बारिश आएगी, बहुत भयंकर अजीब सा मौसम हो रहा है। चाय पी लेते हैं। अंशु के पापा दोनों चले गए हैं स्कूल पे, क्योंकि आज अंशु के स्कूल में है पीटीएम, तो वहाँ चले गए हैं। और मेरा काम भी ना आधा अधूरा सा रह रखा है, मतलब मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी, तो फिर वो भी मेरा पूरा नहीं हो रखा है, मतलब सारे रूम पे तो मैंने कर दिया झाड़ू पोछा, बट लॉबी अभी बची हुई है, वहाँ पे मुझे भी लगाना है, क्योंकि स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था, पीटीएम 9:30 बजे से है, तो और हस्बैंड जी को काम भी है, तो मैंने कहा चलो इन लोगों को ना भगा देते हैं, पहले इनका काम पहले निपटा लेते हैं। तो फिर इनको मैंने नाश्ता करा दिया था टाइम पे, और ये लोग चले भी गए हैं। अब मुझे करना है जो मेरे बाकी के काम है बचे कुछ, उससे निपटा। मार्केट से थोड़ी सी पल्सेस वगैरह आ चुकी हैं, ख़त्म हो रखे थे दालें सारे अंदर की, तो लेके आए हैं, उन्हें भी उनकी जगह पर लगाना है, डिब्बू पर लगाना है, ये कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन से काम है, फिर उससे निपटाएंगे। मैं नहीं गई स्कूल, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम रहता है ना, सुबह सुबह काम भी ज़्यादा रहता है, तो मैंने कहा चलो वैसे भी कुछ खास तो है नहीं, तो हस्बैंड जी गए हैं अंशु को लेके। गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो काम निपटा के आ चुकी हूँ मैं अपने किचन का, साफ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है, और अंशु भी स्कूल से आ चुका है। अभी अंशु कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि अंशु के अगले महीने से है पेपर, तो ये देख बालक पढ़ाई करने में व्यस्त है। अभी क्या पढ़ रहे हो? जीके? जीके इंग्लिश है? तो आपने तो कह दिया मैंने पूरी बुक खत्म कर ली जीके। हाँ। अच्छा, रिवीजन कर रहे हो खाली? तो गाइस, आ चुके हैं किचन पे, क्योंकि मुझे दाल वाल लगानी है, इसीलिए तो इसमें है जो भी दाल वाल लेके आए हैं उनको डिब्बे में डाल लेते हैं,
फिर देखते हैं आज खाने में दोपहर में क्या बनेगा, उसकी भी तैयारी करनी है। अभी डिब्बी निकाल देती हूँ जो दाल वाली है, ये देखिए खाली हो रखे हैं सारे। इसमें तो चीनी है, देखते हैं चीनी कितना डालेंगे। और चने लेके आए हैं, नहीं आए हैं, ये डब्बा भी है, तो मैं सारे डब्बे पहले निकाल लेती हूँ आराम से। खाली पड़े हुए डिब्बे को मैं बाहर लेके आ गई हूँ। तो ये परमल थे, आज सुबह ही आए थे, कड़क हो रखे हैं, और अगर इन्हें पॉलीथीन में रखेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो खाने में भी मज़ा नहीं आता। और जब भी मन करता है तो इसका हम स्नैक्स टाइप का बना लेते हैं ना, नमकीन वगैरह डाल के, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो डिब्बे में जितना आ रहा था उतना डाल दिया, बाकी तो हम वैसे भी खा लेते हैं, बाकी थोड़ा सा बचा हुआ है वैसे। फिर थोड़े से वैसे ज़्यादा हम दाल ना मार्केट से लेके नहीं आते, क्योंकि हम दो तीन जने ही हैं, तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी दालें लेके आए हैं, थोड़ा थोड़ा लेके आए हैं, ख़त्म हो रखी थी, तो इनको मैं डब्बे में लगा लेती हूँ फटाफट से। थोड़ी बहुत जितनी भी दालें थी मैंने डिब्बे में डाल दिया है, अब डिब्बे को लगा लेते हैं किचन में फिर से। ये काम भी कंप्लीट हो गया है, फ्रिज भी मैंने बाहर से कपड़ा मार दिया है, क्योंकि थोड़ा सा धूल सी जम गई थी बाहर से। तो अभी बज रहे हैं 11:30 के लगभग हो गया है टाइम, और दोपहर के खाना बनाने की तैयारी करनी है। सो गाइस, हस्बैंड जी आ गए हैं मार्केट से, और आज मैंने ना जूते चप्पल रखने के लिए ये मंगाया शू रैक। तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जूते चप्पल बाहर, मैं ना लगा लगा के थक जा रही थी, फिर कितने बार भी लगाओ थोड़ी देर में फिर वैसे ही हो जा रहे थे, इसीलिए फिर जाके आज ये लेके ही आ गए हैं। और ये हमने ना मार्केट से ही बाय किया, 1500 रुपये का है ये, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी है। वैसे मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, बट फिर हस्बैंड जी का आज मूड बना, वो उठा के लेके आ गए। तो ये देखिए नीचे इस तरीके से ना रखने पड़ रहे थे, थोड़ी देर बाद में फिर वैसे ही हो जा रहे थे, तो अब सही हो गया बिल्कुल। अब हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है, अंदर नहीं लगाया क्योंकि अंदर फिर अच्छा भी नहीं लगता है, और यहाँ पे हमारी जगह भी खाली बची हुई थी, बाहर यहीं से आके यहीं पे खोल के रखने के लिए भी सही रहता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। और अंशु और अंशु के पापा लगाना भी, उन दोनों ने लगाना भी स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी बड़ा भी है, ठीक है, अच्छे से इसमें काफ़ी जूते और चप्पल आराम से आ भी गए हैं, और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। दो जोड़े जो है सैंडल वगैरह चप्पलें भी रखी हैं, कुछ और भी हैं जो नीचे अलमारी है उसके नीचे भी बने होते हैं, बट उसको नहीं निकालेंगे। मम्मी मैंने वहाँ पर सफाई की है, एक बार देखो कैसी है। क्या किया? दरवाजा एक कर, तो तेरे पापा भी लाइट तो क्यों बंद कर रखी? ओए होए, सब साफ कर दिया? ये क्या रखे हैं? ओए होए, आज तो अंशु ने चमका के रखा है। देखो इधर देखो, स्केच अलग और पेन अलग, और ये देखो ये सारी अच्छे से रखी। ये पेंसिल के बच्चे, इतने सारे बच्चे पेंसिल के। और नोटबुक्स भी सारी अच्छे से रखती। हाँ गुड, ऐसे ही संभाल के रखोगी तो फिर मुझे टेंशन ही क्या है। चलो रोज ऐसे ही संभाल के रखना, एक दिन संभालने से कुछ नहीं होता, रोज संभालोगे ऐसे क्या है? चेस की गोटियाँ क्यों रख रहे हो यहाँ पे? पहले बंद करो उसका मुंह, फिर खाली गिरेंगी। लाइटें ऑफ कर दो बेफालतू की, लाइटें जल रही है। इसलिए मैंने दाल चावल बना दिया है, और खाने की प्लेट मैंने लगा दी है, ये देखिए। तो खाना ना खा लेते हैं, फिर मिलेंगे बाद में, आप लोग भी खा लीजिए। हाँ।
हाय गाइस, तो ये शाम हो चुकी है, मतलब अंधेरा अभी हुआ नहीं है, अंधेरा होने का टाइम हो रहा है, हल्का हल्का मतलब अंधेरा छा रहा है धीरे धीरे। और मैंने कर ली है शाम की तैयारी, सब्जी मैंने काट के रख लिया है, तो आज बनेगा खाने में शिमला मिर्च। ये देखिए शिमला मिर्च है जो कि मैंने काट के रख ली है। आटा अभी मलना है और कपड़े उठाने हैं, दिया जलाना है। मैंने कहा पहले सब्जी चढ़ा लेती हूँ, हल्की आँच में छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद छत में जाना ही है कपड़े उठाने, तो फिर ऊपर जाऊंगी तो फिर दिया भी जला के आ जाऊंगी। और ऐसे ही है, शाम की तैयारी हो जाती है मेरी स्टार्ट, तो मैं चढ़ा लेती हूँ फटाफट से, फिर वरना फिर मुझे लेट हो रहा है। किचन में थोड़ी देर थोड़ा भीग गई है पसीने से, गर्मी हो रही है, तो गई सब्जी चढ़ा दिया। मैं फटाफट से जाती हूँ ऊपर, कपड़े उठा के लेके आती हूँ। सो गाइस, दिए है जला के, कपड़े उपड़े उठा के तय करके रख के आ चुकी हूँ। और अभी ये है आटा, आटा मैंने मल के रख दिया है, तो रात के खाने की तैयारी हो चुकी है। सब्जी मैं पहले ही चढ़ा के गई थी, बन भी गई है, और मैं बना रही हूँ रोटी। तो गाइस, रोटी भी मेरी लगभग बनी चुकी है, लास्ट बची है, और फिर उसके बाद मैं लगा लूँगी खाने की प्लेट। तो रात का जो खाना है वो बनके तैयार हो गया है, सब्जी रोटी दही है, आप लोग भी खा लीजिए गाइस। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।